स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में, और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल के सीजन 17 में कल रात मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। ये मैच इस सीजन का अब तक का सबसे छोटा मैच साबित हुआ और दिल्ली कैपिटल्स ने इतिहास रचते हुए गुजरात टाइटंस को सिर्फ 89 रनों पर समेट दिया और 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। अब आईपीएल उस मोड़ पर है जहां पर एक एक जीत हर एक टीम के लिए मायने रखती है, और सिर्फ जीत ही नहीं, जीत के साथ जीत और हार के बीच अंतर है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसका असर नेट रन रेट पर सबसे ज्यादा पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल का ताजा हाल क्या है। पहले बात कर लेते हैं जीतने वाली टीम की, यानी दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली ने कल जो है जीत दर्ज की, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने 7 मुकाबले खेले हैं इस सीजन में और कल रात उसने 3री जीत दर्ज की। 4 मुकाबलों में हार मिली है दिल्ली को इस सीजन में, और दिल्ली का नेट रन रेट हो गया है -0.074 का, और दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर पहुंच गई है, और जबकि गुजरात टाइटंस इस करारी हार के साथ और बुरे रन रेट के साथ 7वें नंबर पर खिसक गई है। टॉप पर कब्जा बरकरार है संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स का। राजस्थान ने 7 मुकाबले खेले हैं इस सीजन में, 6 मैच जीते हैं, 1 मैच में उसे हार मिली है। 12 पॉइंट्स हैं राजस्थान रॉयल्स के, और उसने जो उसका नेट रन रेट है वो है 0.677 का। दूसरे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर के पास सुपरस्टार खिलाड़ियों की भरमार है, हालांकि उन्हें पिछले मुकाबले में हार झेलनी पड़ी राजस्थान रॉयल्स के हाथों, लेकिन फिर भी केकेआर पॉइंट टेबल में 2रे नंबर पर है। 6 में से 4 मैच जीते हैं, 2 मैचों में हार मिली है केकेआर को, और उसका जो नेट रन रेट है वो है +1.399 का। तीसरे नंबर पर है सीएसके। सीएसके ने 6 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं, 2 ही मैच सीएसके ने भी हारे हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट केकेआर से खराब है, इसलिए वो तीसरे पायदान पर है, और सीएसके का जो नेट रन रेट है इस वक्त वो है +0.726 का। चौथे नंबर पर आती है पॉइंट टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद। एसआरएच ने भी 6 मैच खेले हैं, 4 मैच इस टीम ने भी जीते हैं, 2 मैचों में ही हार हैदराबाद को भी मिली है, लेकिन उसका रन रेट सीएसके और केकेआर दोनों टीमों से खराब है, इसलिए एसआरएच चौथे नंबर पर है, और एसआरएच का जो नेट रन रेट है वो है +0.502 का। वहीं 5वें नंबर पर आती है एलएसजी, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स, केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 मैचों में शिकस्त मिली है, 3 मैच जीते हैं एलएसजी ने, 6 पॉइंट्स हैं, और उसका नेट रन रेट है +0.038 का। वहीं 6ठे नंबर पर जैसा मैंने बताया दिल्ली कैपिटल्स है, 7वें नंबर पर गुजरात टाइटंस है। जीटी ने भी 7 में से 3 मैच जीते हैं, 4 मैचों में उसे हार मिली है, 6 पॉइंट्स हैं जीटी के, और उसका नेट रन रेट है -1.303 का। वहीं 8वें नंबर पर आती है शिखर धवन की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स। जी हाँ, धवन चोटिल चल रहे हैं और इंजरी की वजह से उनकी जगह पर सैम करन पंजाब किंग्स की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। पंजाब किंग्स ने भी 6 मैच खेले हैं, 2 मैचों में उसे जीत मिली, 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा पंजाब को, और उसका नेट रन रेट है -0.218। 9वें नंबर पर है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस। एमआई ने 6 में से 2 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं, 4 ही उसके टोटल पॉइंट्स हैं, और उसका जो नेट रन रेट है वो है +0.234 का। और सबसे आखिरी पायदान पर है फाफ डुप्लेसिस की अगुवाई वाली आरसीबी। आरसीबी ने 7 मैच खेले हैं इस सीजन में, 1 मैच ही केवल उन्होंने जीता है, और 6 मैचों में करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है आरसीबी को, विराट कोहली की कप्तानी वाली, पूर्व कप्तान जिसके विराट कोहली थे उस टीम को। और आप समझिए, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को अगर छोड़ दिया जाए तो आरसीबी में लगभग सभी खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, कोई भी खिलाड़ी चमक नहीं बिखेर पा रहा है। यही वजह है कि आरसीबी पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है, और इस वक्त उस मुकाम पर आरसीबी की टीम खड़ी है जहां से उसके प्लेऑफ में पहुंचने की राह बहुत कठिन हो गई।